आज हमने चीज डिस्कस करनी है। अच्छा जी, जो चीज आज हमने डिस्कस करनी है वो है प्रेसी, ट्रांसलेशन और कम्प्रीहेंशन। तो सबसे पहले हम प्रेसी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन और लास्ट पे कम्प्रीहेंशन। ठीक है, देखें प्रेसी जो होती है ना, वो आपके इंग्लिश के CSS है, PMS है, पंजाब में हो रहा है या किसी में हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे भी होता है मोस्टली वहाँ पे होती है। और इवन समटाइम आप ये भी कह सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपका MPT है उसके अंदर भी आ जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो साइकोलॉजिकल आपका होता है, इंटरव्यू के प्रोसेस होता है, रिटर्न पास करने के बाद उसके अंदर भी प्रेसी देते हैं। मुझे याद है कि हमारे जो टाइम था उससे पहले एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के लोग थे, उनको प्रेसी मिली थी और वो इंतहाई मुश्किल थी, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि 100 150 वर्ड की थी और बहुत ही मुश्किल प्रेसी थी। तो प्रेसी को जो है करने का तरीका, अगर आपका ठीक होता है, आप उसकी बेसिक्स पे कमांड कर लेते हैं, तो कभी आपको इश्यू नहीं होता। मैं आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तकरीबन जो है वो CSS की और मार्च 2019 में, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, मैंने 2020 की जो अटेम्प्ट दी उसके लिए मैंने तैयारी की थी इंग्लिश की। ठीक है, और उस तैयारी से मैंने 2020 की इंग्लिश पास की है, 2021 की पास की है, PMS 2020 पास की है, और इस साल भी इंशाल्लाह हो जाएगी पास। तो मतलब 4 मरतबा मैंने एक एक ही बार तैयारी की और 4 दफा मैंने सब्जेक्ट पास किया, मुझे कभी इश्यू नहीं हुआ। तो उसके पीछे एक थोड़ी फिलोसफी है, उसके पीछे एक टेक्निक है जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसको अडॉप्ट करें। सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस होता है इंग्लिश का, उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आपका इंग्लिश का सिलेबस है, हम बात करते हैं CSS की, इसको अगर आप देखें तो उसमें 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कैसे हैं? एक वो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल, ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर आप कमांड कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बरक्स दूसरा हिस्सा वो होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम डिवीजन करें मार्क्स की, तो जो आपका कंट्रोल करने वाला पार्ट है तकरीबन 70 80 मार्क्स वो है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़े इजीली, जबकि 20 से 30 नंबर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कभी आपका कमांड नहीं आ सकती, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और बड़ी मजे की और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं CSS के बगैर गाइडेंस के, वो उन 30 नंबर से स्टार्ट कर रहे होते हैं जिसपे कमांड कभी आ नहीं सकती। तो क्या होता है कि 6 महीने 7 महीने लगा के भी वो उधर ही खड़े होते हैं। तो उसके बजाय अगर आप अपने टेक्निक को दुरुस्त कर लें तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करें कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। 20 नंबर की प्रेसी आती है, 15 20 नंबर की ट्रांसलेशन है और 20 नंबर की कंप्रिहेंशन है। उसके बाद आपके पेयर वर्ड्स आते हैं, देन आपकी करेक्शन आती है, पंक्चुएशन आती है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आप कमांड कर सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस के जरिए बेहतर कर सकते हैं, और जितना आप इसे करेंगे आपकी तैयारी इसमें अच्छी होती जाएगी। उसके बरक्स आपके एडियम्स हैं, और उसके अलावा आपकी जो 20 नंबर की वोकैबुलरी होती है, डिक्शन होती है, उस पर चाहे आप पूरी डिक्शनरी याद कर लें, आपको कभी उस पर कमांड नहीं आ सकती। इवन 2020 का जो पेपर था शायद हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन इंग्लिश का पेपर था। ठीक है ना, और जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ही शौक में चला गया था, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे वो। तो उसमें जो उन्होंने MCQs दिए थे 20 नंबर के, उसमें से आधे लफ्ज ऐसे थे जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर भी इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल अब्सोल्यूट हो चुके हैं। ठीक है ना, आपको किसी बहुत ही पुराने डिक्शनरी के अंदर शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है वो। तो दैट मीन्स कि अगर आप चाहे पूरे डिक्शनरी भी याद कर लें, आप उस पर कमांड नहीं कर सकते, आप उस पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर है कि आप वो हिस्सा तैयार करें जिस पे आप काम करें, जिसको आप कमांड कर सकते हैं, जिस पे आप जो है वो अपनी महारत को बेहतर कर सकते हैं। उसमें प्रेसी आती है, ट्रांसलेशन, कम्प्रीहेंशन, पेयर वर्ड्स, इडियम्स भी आ जाते हैं आप इसे तैयार कर लें। उसके बाद पंक्चुएशन आती है, करेक्शन आती है। ठीक है, पैसे वैसे ऐसी चीजें इसमें होती हैं। तो उनमें से जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेसी होती है। ये एक आमतौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी प्रेसी को, जो आपकी 20 नंबर की इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके अंदर 20 नंबर का सवाल आता है प्रेसी का, उसको देख के आपका पूरा पर्चा डिसाइड करता है। कुछ लोग कहते हैं ये बात गलत है, बट मैं इसको सही समझता हूँ कि अगर आपकी 20 नंबर की प्रेसी ठीक है तो आपकी इंग्लिश पास हो जाती है। अगर आपकी 20 नंबर की प्रेसी गलत है या उसमें इश्यूज हैं, वो उसे लगता है कि ये बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड किस्म की और एक करेक्ट किस्म की प्रेसी नहीं है, चाहे आपके बाकी सब पूरे जो है सवालों के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हो, लेकिन फेल कर देगा आपको। उसकी रीजन ये है कि एक प्रेसी जो होती है ना, वो उसके अंदर बहुत कुछ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने प्रेसी पे काम करना है स्पेशली। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसी जो होती है ना, उसके अंदर आपने 3 चीजें हैं आपको जो है वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। नंबर 1, अपने पास नोट कर लें चीजें, प्रेसी के अंदर 3 चीजें कौन सी होती है। नंबर 1 कंप्रिहेंशन, कि आप वो जो पैसेज आपको दिया गया है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, उसे आपने किस हद तक समझा है। समटाइम ऐसा पैसेज आएगा जो फिलोसफी पे है, रिलीजन पे है, कोई मुश्किल और बोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उस पे आपसे वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, वो आपको ये देख रहा होता है कि आप उस सब्जेक्ट को
वो उस सब्जेक्ट को आप किस तरह से जो है वो उस पैसेज को आप किस तरह समझते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी। नंबर टू, जो दूसरी चीज है कि वो जो आपने कंप्रिहेंशन बनाई है, आपने वो जो आइडिया समझा है पूरे पैसेज का, उसको आपने किस तरह कन्वे किया है। क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है बात को समझ पाते हैं लेकिन वो अगले बंदे को कन्वे नहीं कर पाते, तो क्या आप उसके अंदर कामयाब होते हैं कि नहीं होते, ये दूसरी चीज होती है। तीसरी चीज ये होती है कि वो जो आपने बात समझी है और कन्वे की है, और तो उस कन्वे करने के लिए जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप इन तीन चीजों पर पूरा उतर रहे हैं, यानी कि आपकी कंप्रिहेंशन पैसेज की ठीक है, आपने उस आइडिया को समझ के कन्वे ठीक से किया, और कन्वे करने के लिए जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसमें गलतियां नहीं है बिल्कुल भी बेसिक, तो आप प्रेसी में पास हो जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रेसी के अंदर आप ग्रामर की, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की गलतियां करेंगे और आप पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा कैसी ऐसी कोई उम्मीद ना रखें आप। ठीक है ना, आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर अब हार्डली आपने 5 से 6 सफ़े लिखने होते हैं, और एग्जामिनर के लिए 10-15 मिनट में वो आपका पूरा पर्चे पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपकी प्रेसी वो आराम से पढ़ सकता है, ट्रांसलेशन, कंप्रिहेंशन, और उसे कहीं पे आपकी ग्रामर की मिस्टेक नजर आएंगी ना तो आप पकड़े जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी होती है कि चीजें रफ में करें, आप इसको प्रेसी है पहले इसको रफ में करें, उसके बाद नीट करें। मैं हमेशा से इंग्लिश का जो पर्चा है पूरा 2 घंटे लगा के एसएससी का, पीएमएस का रफ में करता हूँ, उसके बाद 1 घंटे में उसका नीट करता हूँ। देन उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस के अरेंजमेंट होते हैं बड़ी बड़े, उसकी हम बात करते हैं। अगर मुझे भूल गया तो किसी ने मुझे रिमाइंड कराना है एंड के ऊपर कि जो आपका प्रेसी का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन का ऑर्डर कैसे होगा, पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एंड पे कौन सा, दरमियान में कौन सा सवाल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम दोबारा वापस आते हैं प्रेसी के ऊपर। अब प्रेसी करने का क्या तरीका होना चाहिए, आपके पास जो पैसेज आएगा, उसको आपने जो है वो किस तरह से उसकी प्रेसी बनानी है। देखें बेसिक रूल ये होता है कि आपने उसमें जो ग्रामर है वो ठीक रखनी है, ठीक है, कंपैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कंसाइज होनी चाहिए, उस पर 1/3 का फॉर्मूला है। 1/3 ये है कि अगर आपके पास 300 लफ्ज हैं पैसेज के अंदर तो आपने उसको 100 लफ्जों में कन्वर्ट करना है। अब इसमें आपके पास रिलैक्सेशन कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो 10 प्लस माइनस की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 300 वर्ड का पैसेज आ रहा है और आपने उसको बनाने हैं कितने 100 वर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 90 वर्ड्स आपके प्रेसी में हो सकते हैं वो भी ठीक है, 110, 15, 18, 19 वो भी ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप 10 माइनस और 10 प्लस का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, ये आपने करना होता है इसके अंदर। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूँ। अच्छा जी, तो ये तो है फॉर्मूला आपका। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि आपने जो पर्सनल किस्म के प्रोनाउंस हैं वो यूज नहीं करने, आई है, माई है, मी है, वी, अवर, एस वगैरह, ये बिल्कुल आपने यूज नहीं करने, ठीक है ना। उसके अलावा आमतौर पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों के अंदर, और वो ये है कि जो आपके प्रेसी है उसके अंदर पास्ट टेंस में ज्यादा करना है। नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। प्रेसी के अंदर जो आपका पैसेज है उसके अंदर जो टेंस चल रहा है वो अगर वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, तो आपका जो प्रेसी है उसके अंदर जो आपका टेंसेज हैं वो भी इसी तरह तब्दील होंगे। कोई उसके ऊपर फार्मूला नहीं है कि आपने उसको हमेशा पास में करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको लगता है कि ये जो बात कन्वे करनी है जिस टेंस में मुनासिब लगती है आप उसी में कन्वे करें। अब एग्जामिनर हर सेंटेंस का हर टेंस नहीं चेंज कर रहा होता, चेक नहीं कर रहा होता उसको, ठीक है, वो बस देखता है कि आपके प्रेसी जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं उस पर पूरा आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो आपने जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो अवॉइड करने हैं, कंपैक्ट रखनी है, 10 प्लस माइनस का फार्मूला यूज करना है, पास्ट टेंस लाजमी नहीं है, टेंस का हमेशा वही होगा जो कि आपको लगता है कि मुनासिब है, और जिस तरह वो चेंज हो रहा है आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके जो ओरिजिनल पैसेज है उसके अंदर 4-5 पैराग्राफ हैं, तो आपने प्रेसी को हमेशा एक ही पैराग्राफ में करना है, हमेशा एक ही पैराग्राफ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक पैराग्राफ है तो इसका आपने अलग से बना दिया, दूसरा पैराग्राफ का आपने अलग से बना दिया, तीसरे का अलग से, नहीं, आपने उस जितने पैसेजेस हैं, जितने पैराग्राफ्स हैं उस पैसेज के अंदर उन सब की मिला के एक ही पैराग्राफ बनाएंगे आप। उसके अलावा पेपर के अंदर कभी आपने मेंशन नहीं करना एंड के ऊपर के वर्ड काउंट कितना है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, मैंने कभी पेपर के अंदर जो है वर्ड काउंट मेंशन नहीं किया। हाँ, प्रैक्टिस करते हुए आप अपने पास लिखें कि जो मैंने ओरिजिनल पैसेज है उसके अंदर इतने वर्ड्स हैं, जो मैंने बनाए हैं इतने हैं, और रिक्वायरमेंट इतनी थी, तो आपको उससे अंदाजा होगा कि आपकी प्रेसी ठीक जा रही कि नहीं। बट पेपर के अंदर आपको इसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती। मतलब तकरीबन 98% बच्चे जो प्रेसी चेक करवाते हैं ना उसके अंदर वो एंड के ऊपर वर्ड काउंट मेंशन होता है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। एक और चीज, आपने जो टाइटल है वो एंड पे नहीं लिखना, वो शुरू में लिखना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, ये लिखा हुआ है मेक अ प्रेसी ऑफ दिस फॉलोइंग पैसेज, इसी तरह आपका
शुरू में आपका जो है वो आप लफ्ज लिखेंगे टाइटल, ठीक है, हेडिंग देंगे, उसके सामने आप टाइटल लिख देंगे और उसके नीचे आपकी प्रेसिंग है, एक लाइन छोड़ के आपने प्रेसिंग लिखना नहीं है, टाइटल को एंड के ऊपर नहीं करना आपने। उसके अलावा टाइटल बनाते हुए ख्याल रखें, कोशिश करें कि जो आपका टाइटल है वो फ्रेज की फॉर्म में होना चाहिए, सेंटेंस ना हो, ठीक है ना। फ्रेज की फॉर्म कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पैसेज आता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो आप उसे लिख सकते हैं बेनिफिट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आप उसे किसी सेंटेंस के फॉर्म में लेकर नहीं जाएंगे आप उसको, ये आपने ख्याल रखना है। ये तो कुछ चीज़ें बेसिक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस जो पैसेज है उसकी प्रेसिंग बनाने कैसे, उसे क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी आपके पास पैसे जाएगा और आपने उसकी प्रेसिंग करनी है, तो आपने उस कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि एक मरतबा आपने उस पैसेज को पढ़ना है बड़े आराम से। जी आपके सामने एक मैंने पैसेज लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना स्टार्ट करें कि जैसे इन माई एडोलेसेंस एज इज नॉट अनकॉमन ए नंबर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस टॉवर्ड्स ईच अदर इन माई फीलिंग्स। इसी तरह आप बात को समझते जाएं और आराम से पढ़ते जाएं, कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो उसके ऊपर रुकने की जरूरत नहीं है, आप चले जाएं आगे, ठीक है। आप एक बार इसी तरह एक पैसेज जो मुकम्मल आपका पैसेज है उसको पढ़ लें। जब आप पैसेज पढ़ लेंगे एक मरतबा, मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, तो आपको एटलीस्ट एक अंदाजा हो जाएगा कि इस पैसेज में क्या आइडिया डिस्कस हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, फिलासफी पे है, पॉलिटिक्स पे है, रिलीजन पे है, कल्चर के ऊपर है, सोशियोलॉजी का टॉपिक है, कोई क्या क्या है, मतलब आपकी एक ब्रॉड और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ये जो पैसेज है इसके अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। आपने रफ में वापस जाना है और जो आपको लगता है कि इसका टाइटल होना चाहिए वो आप लिख लें अपने पास रफ में शुरू शुरू में, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन पे है तो उसके मुनासिब कोई टाइटल बना लें अपने पास, लिखना है रफ में। वापस दोबारा आपने स्टेप टू पे आना है। अब स्टेप टू ये है कि आपने उस पैसेज को बड़े डेप्थ में और कंप्रिहेंसिवली उसे आपने पढ़ना है। इसमें आप क्या करेंगे कि हर लाइन को समझना है, हर लाइन को आपने समझना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो उसे उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बट ये जो उर्दू वाला है ना, इस पर आपको टाइम लग सकता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसे पेपर में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आपको लगता है कि वो पैसेज मुश्किल है, लफ्जिंग मुश्किल हो रही है, उसके लिए वर्डिंग मुश्किल है, तो आप उसे उर्दू में कन्वर्ट करें। जो लाइन पढ़े उसका तर्जुमा उर्दू में माइंड में बनाएं आप उसको, उसके बाद अगली लाइन पढ़े उसे उर्दू में बनाएं, आप पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ें, अच्छा आप तीसरी लाइन पढ़े उसे उसका सेंटेंस बनाए उर्दू में और उसको फिर पहले दूसरी किसका माइक ऑन है यार। हमारा क्लास की हम क्लास में पसंद है कॉल को आधा खबर अच्छा सारा रिदम तोड़ दिया। अच्छा तो आपने पहला स्टेप ये करना होता है कि आपने एक मरतबा पैसेज को पढ़ना है और उसका रफ में जो टाइटल है वो आपने नोट कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने हर सेंटेंस को बड़े केयरफुली और ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप चाहें तो इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ें, उसको ट्रांसलेट करें, दूसरे को, तीसरे को, इसी तरह आप तमाम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के पढ़ते जाएंगे। जब आप उसे पढ़ लेंगे ना सारे उस पैसेज को, तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा इसमें क्या बातें हो रही हैं। होता यह है कि आपका जो प्रेसी का पैसेज है उसके अंदर एक मेन सेंट्रल आइडिया होता है और उसके सब आइडियाज होते हैं, ठीक है ना, उसके सब आइडियाज होते हैं। एक पॉइंट होगा मेन आइडिया जिसको हम आपका टाइटल कहते हैं। अब उसके इर्द गिर्द 6, 7, 8, 10 डिफरेंट शॉर्ट से छोटे छोटे आइडियाज हो सकते हैं, आपने उन आइडियाज को पकड़ना होता है, ठीक है। मेन आइडिया के इर्द गिर्द जो आइडियाज हैं उसको आपने पकड़ना है। और समटाइम ऐसा होता है कि जो शुरू में आपका पैसेज है पूरे का पूरा या फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट में वो बिल्कुल इरेलीवेंट होता है और आपकी प्रेस जो असल होती है दरमियान से स्टार्ट हो रही होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि शुरू वाला एक पैसेज जो है या दो पैराग्राफ वो रेलिवेंट है, एंड वाला बिल्कुल जो है रेलिवेंट नहीं होता? तो आपने ये बड़े केयरफुली देखना है कि जो मेन आइडिया क्या डिस्कस हो रहा है उससे रेलिवेंट बातें उठानी है, ठीक है ना। अगर बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और कहीं पे बात आ जाती है जेंडर इक्वलिटी पे, अगर वो आपको लगता है कि इससे रेलिवेंट नहीं है जो आपका मेन आइडिया है, तो उससे स्किप करेंगे आप उसको, ठीक है ना, उसके आप उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो आपने स्टेप टू में क्या करना है कि उसको बड़े केयरफुली पढ़ लेना है। अब स्टेप थ्री में वापस आना है आपने। स्टेप थ्री ये होगा कि आपने जो मेन मेन आइडियाज हैं जो आपको समझ आई है आपने उनको नोट करना है, ठीक है ना। आपने शुरू से एंड तक प्रेसी का जो पैसेज है पढ़ लिया है, उसमें से आप दोबारा स्टार्ट करें पढ़ना, और उसमें से जो पहला आपको लगता है कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखें, उसके सेंटेंस में नंबर वन लिख लें, फिर दूसरा पॉइंट उठाएं उसे नंबर टू सेंटेंस बना दें, नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इसी तरह आपने सेंटेंसेस बना देने हैं अलग अलग से, ठीक है। जब आप बना लेंगे
उसके बाद आपने जो है वो जो सेंटेंसेस बनाए हैं आपने नंबरिंग लगा के उसको एक पैराग्राफ बना दें आप उसको, यानी कि वो जो तमाम सेंटेंसेस हैं उसको अलग अलग लिखने के बजाय एक पैराग्राफ बना दें। अब आप उस पैराग्राफ को पढ़ें और सोचें कि वो जो आपने प्रेसी का जो पैसेज है पढ़ा है, क्या ये उससे कंपेटिबल है, क्या ये उससे मैच कर रहा है, वो जो बातें उसके अंदर हैं क्या यहाँ पे हो रही हैं, कोई ऐसा आइडिया जो आपके प्रेसी में है लेकिन आपने उसे मिस कर दिया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी बात आपने खुद से ऐड कर दी जो प्रेसी का हिस्सा ही नहीं है, पैसेज का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब आप उस सेंटेंसेस को मिला के आप पैराग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर आपको कहीं पे हाउएवर, कहीं मोर ओवर, कहीं पे फर्दर मोर, कहीं पे बट, कहीं पे इन एडिशन, ये चीजें आपको कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, वो जहां पे आपको फील होता है आप उसको लगाएं उसको, ठीक है ना। और फिर उसका वर्ड काउंट चेक करें, अगर आपके वर्ड काउंट लिमिट में पूरा आ रहा है तो वो ओके है, अगर वो उस लिमिट में नहीं आ रहा तो आप उस थोड़ा उसके अंदर तब्दीली करें, शॉर्ट करना है कुछ, कम निकाल दें कुछ चीजें, अगर उसके अंदर कोई कम हो रही है उसकी लेंथ तो आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर दें आप उसके अंदर। ये तरीका होता है आपके प्रेसी करने का, ठीक है ना। इसके समझ आइए सबको, कोई कंफ्यूजन हो इसमें कोई एंड पे क्या, तो सर इसलिए मैं सराउंडिंग नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। हाँ जी ठीक है। अच्छा स्टेप्स मैं रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप ये है कि बिलोल के आपने एक मरतबा जो है वो पैसेज को पढ़ना है आराम से, ठीक है, और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसका आपने एक टाइटल बना देना है रफ में। फिर आपने वापस जाना है पैसेज के ऊपर आप स्टेप टू के अंदर। स्टेप टू में आपने ये करना है कि बड़ा डेप्थ में और थरली और आपने बड़ी डिटेल में उस पैसेज को पढ़ना है और उसको समझ लेना है, ठीक है ना। उस पूरे पैसेज को आपने एक एज ए सिंगल आइडिया समझना है कि अच्छा ये बात हुई है, इसके बाद ये बात हुई है, अच्छा ये बात हुई है, फिर ये नेक्स्ट, किस तरह आप माइंड में उसे रिफ्लेक्ट करें, उसे रिकॉल करें उसको, ठीक है ना। जब आप ये कर लेंगे ना उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में ये करना है कि आपने शुरू से एंड तक दोबारा पढ़ना है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं रेलिवेंट है जो कि आपकी प्रेसी में आने चाहिए उनको लिख लें सेंटेंसेस की फॉर्म में, पहला सेंटेंस, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तीसरा चौथा। स्टेप फोर ये है कि आपने उन सेंटेंसेस को मिलाकर आपने एक जो है वो पैराग्राफ बना देना है। स्टेप फाइव ये है कि जब पैराग्राफ बन जाएगा उसको री रीड करना है, उसकी लेंथ चेक करनी है, उसके अंदर कहीं पे कोई ग्रामर के इश्यूज हैं, कहीं पे मोर ओवर कनेक्टर का इश्यू है, कोई चीज मिसिंग है, कम है ज्यादा है, उसको आपने ठीक करना और एक आइडियल किस्म का जो पैराग्राफ है वो आपने लिख देना है, ठीक है, और वही आपके प्रेसी बनता है। अब इसमें एक चीज ये है कि समटाइम बच्चे कहते हैं कि सर प्रेसी के अंदर कोई लफ्ज ऐसे आ जाते हैं कि जिसको समझ ही नहीं आती, तो वहां पे क्या करें। देखें मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे जो है कोई लफ्ज निकालूं और आपको समझाऊं कि वो किस तरह से आप उसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे तो शायद मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा खास लफ्ज नहीं है जो मुश्किल होगा इस पैसेज, ठीक है ना। अच्छा ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया है दरमियान में, शुरू में, एंड पे, कहीं पे भी, और आपको लगता है कि उस सेंटेंस में एक या दो लफ्ज ऐसे आ रहे हैं जिसका आपको समझ नहीं आ रही कैसे क्या मतलब है, तो आपने वहां रुकना बिल्कुल नहीं है, वहां उस पे अटक नहीं जाना, स्टक नहीं होना। आपने क्या करना है कि उन लफ्जों को निकाल के या उससे आप एक मतलब डिराइव करें कि वो जो सेंटेंस है उससे आगे वाले लफ्ज क्या कहते हैं, उसके पीछे वाले क्या कहते हैं, अब उसे आप गेस करें कि इस लफ्ज का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है। तो अगर आप उस सेंटेंस का बजाय उस लफ्ज पे आप उस सेंटेंस से फोकस करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, अगर आप उस लफ्ज पे अटक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगी और आपने वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो इसलिए आपने कभी मुश्किल लफ्जों से परेशान नहीं होना, आपने मतलब को समझ लेना है उस सेंटेंस का, उस दो तीन लाइंस का, और आपका मकसद जो आपका एक पर्पस है वो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक चीज होती है जिसका आपने ख्याल रखना होता है। हाँ जी अब बताएं कोई सवाल वगैरह है तो आप। हाँ ये एक लफ्ज था, एक मिनट, बिल्कुल। आई वॉज फिल्ड विद रिवॉर्ड अगेंस्ट वट दे कॉज माइंड फोर्स्ड मिनिकल्स, ठीक है ना। ये इसको बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको पूरी लाइन भी समझ नहीं आ रही कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको पूरी लाइन भी समझ नहीं आ रही छोटी सी है कोई मुश्किल नहीं है,
तो बट आपने रुकना नहीं है उसके ऊपर, आपकी प्रेसी सिर्फ एक लफ्ज या एक लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। जो स्टंट का मतलब होता है वो आपस में टकराना, या जिसको हम कहते हैं कि इसमें आप देखें ना कि इसका सेंस ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो स्टंट ईच अदर, यानी कि जब मैं जवान था तो जब मैं लड़का था तो मेरी उस उम्र में जो इमोशंस थे वो आपस में, उनका आपस में टकराव हो रहा था, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इस सेंस में ये इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी क्लियर है प्रेसी के हवाले से, ठीक है, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई सवाल वगैरह हो तो आप बताएं, फिर हम जो है मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। सर प्रेसी यूजुअली टेकन फ्रॉम सोशियोलॉजी, यार ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है, डिपेंड, देखो ना आप 2022 की या 20 की या 21 की देख लो, वो इन चीज़ों से हटके हैं। 2020 में उसने जो है वो उसकी किताब से लिया था, क्या नाम है उसका, जो अमेरिकन स्कॉलर था, फिलोसफर था यार, एजुकेशनिस्ट था, जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी की जो बुक से उसने 2020 का पैसेज लिया था, और शायद 2019 का या 2020 का। उसके बाद उसने एक जो है वो उसने निज़ारा सिंह की किताब से, उसने वहां से उसका एक आर्टिकल था वहां से लिया था, इसी तरह वो जो है वो उठा रहा होता है। बट मोस्टली अगर आप करना चाहें तो रसल की जो है वो बुक्स हैं वहां से आप तैयार कर सकते हैं। मोस्टली मैं बच्चों को जब प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ना, वो रसल के पैसेजेस होते हैं, क्योंकि रसल जब लिखता है उसका स्टाइल थोड़ा मुश्किल है, और अगर आप उसे समझ लेते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट बातें निकालना बड़ा जो है एक आप कह सकते हैं कि जान जोखों वाला काम होता है, ठीक है। तो उस पर टाइम लगता है, बंदे का माइंड जो है समटाइम बोर हो जाता है, रफ हो जाता है, आपको लगता है कि यार बड़ी रुखापन आ गया आपके माइंड में, आपका मूड ऐसा हो जाता है। हमेशा जब भी मैंने इंग्लिश का पेपर दिया ना, उसके बाद मेरे सर में हमेशा दर्द रहा हुआ है, ठीक है, दर्द हुआ है, क्योंकि इस पैसेज में लिखना तो नहीं होता, सॉरी इस पेपर में लिखना तो नहीं होता, बट माइंड का बहुत ज्यादा काम होता है, मतलब कैलकुलेशन करना, एक्यूरेट करना, ग्रामर के इश्यूज को निकालना, कैलकुलेशन करना, फिर उसकी जो है वो रफ वर्क में काम लगाना, फिर उसको नीट करना, मतलब हमेशा जब भी मैंने इंग्लिश का पेपर दिया है उसके बाद मैं वापस आया ना, तो मेरे दिमाग की दही बन जाती है। और इससे जो है बड़ी खौफनाक बात यह है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल होता है रिटर्न इंटरव्यू के से पहले, उसके अंदर भी इसी तरह की चीजें होती हैं, और उसमें भी जब मैं 2 बार गया का, तो जब भी वहां से आया तो मेरे सर में दर्द हुआ, उसके अंदर भी इस तरह की चीजें आती हैं, बड़ी बहुत रफ किस्म की, बोरिंग किस्म की आती हैं, उसमें करना ज्यादा नहीं होता बट सारी माइंड गेम होती है उसके अंदर, आपका माइंड का बहुत ज्यादा खपत हो रही होती है आपकी। हाँ जी और रसल अंकल कैसे? हाँ जी और हर जगह कम और कम, हाँ बिल्कुल सर। प्रेसी में एग्जामिनर कितने नंबर दे, यार मैंने 70 स्कोर किया था 2020 में, 2020 मैंने 70 स्कोर किया, 80 नंबर की तैयारी की थी, 20 नंबर के एमसीक्यूज को भी टच ही नहीं किया मैंने, ठीक है ना, और मैंने जो है वो उसमें से 70 स्कोर किया था। तो अगर आप इसको तैयारी को फॉलो करते हैं ना तो बड़ा आपका अच्छा हो सकता है। या सर सर टॉपिक फेस फ्रॉम द फेस फ्रॉम, जो आपका टाइटल है ना यासिर, वो आपने फ्रेज की फॉर्म में लिखना है, जो मैंने शुरू में बताया था, आपने उसको फ्रेज की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वाह क्या बात है यार बिलोल कमाल कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा एक और चीज थी जो मैं अब उस पर आता हूँ, कौन सी चीज, मेरे माइंड से निकल गई है, 1 मिनट यार, ये कैसे हो सकता है, मोबाइल लेके गया था, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने की थी ना लास्ट पे सीएसएस की तैयारी के लिए इंग्लिश में, जब मैं तकरीबन 2020 के अटेम्प्ट दे रहा था और 2 महीने बच गए थे एग्जाम से पहले, मुझे फील हुआ कि मेरी प्रेसी के अंदर इश्यूज हैं, सिर्फ प्रेसी में, तो मैंने क्या किया कि मैंने 1 महीना लास्ट वाला जो लास्ट मंथ था ना उसमें मैंने दिन में 2 प्रेसी करना शुरू कर दिया, एक सुबह और एक शाम, एक सुबह और एक शाम। बिलीव मी के 10 दिन के बाद ना मेरी प्रेसी को, प्रेसी का मार थी कि जितना बड़ा पैसेज आता ना मैं उससे 15-20 मिनट में हैंडल कर लेता था, ठीक है ना। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इंग्लिश की तैयारी के लिए, प्रेसी के लिए मैं कभी किसी उस्ताद के पास नहीं गया, प्रेसी हमेशा मैंने अपने खुद ही चेक की है। मुझे खुद फील हुआ कि अगर प्रेसी जो है मेरी एक उस लेवल पे जा रही है जिससे वो आइडिया मुकम्मल उसके अंदर आ रहा है, कनेक्टिविटी भी है, वो चीज़ें ठीक हैं, लैंग्वेज भी ठीक है, और उसकी लेंथ पूरी हो रही है, तो मैं जब उससे सेटिस्फाइड हुआ फिर मैंने उस लेवल के ऊपर उसे करना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी अपने टीचर्स बन सकते हैं खुद ही,
अपने आप को असेस करें, देखें कि अगर आपको लगता है कि दिन में दो प्रेस ही कर सकते हैं या तीन कर सकते हैं एंड पे, तो आप लाजमी करें, ठीक है ना। इस 20 नंबर के सवाल को आपने बहुत सीरियस लेना है। अच्छा जी, कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम चलते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। अच्छा जी, अगली चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ट्रांसलेशन। अच्छा, प्रेसी के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी लैंग्वेज है ना, सिंपल रखेंगे आप, आसान लैंग्वेज यूज करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, कोई मुश्किल लफ्ज यूज करने की जरूरत नहीं है, आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बात करें। यार मैंने हमेशा सिंपल लैंग्वेज में बात किया, मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज यूज करें, आसान एक्सप्रेस करें, ना कि इम्प्रेस करने की कोशिश करें आप उसको, ठीक है, तो इसमें आपका फायदा होता है। अच्छा जी, अब आपकी है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ना, एक आप जो समझिए कि काफी चैलेंजिंग काम होता है, इसके अंदर बच्चे गलतियां करते हैं, और मेरे पास जो बच्चे चेक करवाते हैं चीजें, उसमें अगर कोई चीज इश्यू कर रही होती है ना प्रेसी के बाद, वो ट्रांसलेशन होती है। तो आपने ट्रांसलेशन को बड़ा सीरियस लेना है, इस पर काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको चेक भी करवाना है, ठीक है। यहाँ तो जो पैसेज है काफी शॉर्ट है, लेकिन आमतौर पर इससे बड़े पैसे जाते हैं, पर्टिकुलरली PMS एग्जाम में तो लंबे लंबे पैसे जाते हैं, इससे डबल होते हैं, ठीक है। और 2020 2021 में CSS में जो इंग्लिश में आया था वो बहुत मुश्किल था, शुरू में उसका लफ्ज ही ऐसा था, उसका इस्तेमालियत, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मुझे ऐसी आती है कि 2021 की CSS की इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने ट्रांसलेट ही नहीं किया था, आप यकीन करेंगे, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त था, उसने भी एग्जाम दिया था, उसकी भी तकरीबन दूसरी अटेम्प्ट थी और मेरी भी दूसरी अटेम्प्ट थी, बल्कि मेरी तीसरी थी, ठीक है। पेपर्स के बाद हम कुछ अर्सा बाद मिले और उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो कहता है कि यार ये जो ट्रांसलेशन है उस पर हमारी डिस्कशन होती, कहता है कि ये जो सेंटेंस है ना, मैंने उसे कहा कि ये मुकम्मल नहीं है, जो पहला फिक्र है, जो उर्दू में उसने पैसेज दिया है ना, इसमें जो पहला सेंटेंस है मुकम्मल नहीं है, और मैंने इसे छोड़ दिया था। वो कहता है ये मुकम्मल है और मैंने इसे ट्रांसलेट किया है, रिजल्ट आता है उसकी फेल हो जाती है, मेरी पास हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो उसने पैसेज दिया था और उसके अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस था ना, वो मुकम्मल नहीं था, तो मैंने उसे ट्रांसलेट ही नहीं किया, उसको मुझे समझ नहीं आई थी, उसकी कनेक्शन नहीं बन रहा था, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हो रहा था उसका, तो फिर मैंने पहला सेंटेंस छोड़ा और अगले वाले उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया था। तो कभी ऐसा भी हो जाता है, वो एक काफी मुश्किल किस्म का पैसेज था, ठीक है ना, लेकिन उस तरह के आना बहुत कम होते हैं, अगर आ भी जाए तो आप इसके लिए तैयार रहें उसके लिए। अच्छा, अब ये है कि आपने ट्रांसलेशन करते हुए क्या चीजें ख्याल रखनी है। अब मैं सभी को एक सेंटेंस दूंगा, आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है, मैं यहां से उठाता हूँ एक सेंटेंस। हाँ जी, ये सेंटेंस है कि वो एक दूसरे पर इनसार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। शाबाश, इसकी बनाएं आप सब लोग, ट्रांसलेशन करें इसकी, मैंने देखना है आप लोग कैसे करते हैं, और फिर उन गलतियों के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा, इसी तरह आपको अच्छी समझ आएगी ट्रांसलेशन की। शाबाश, वो एक दूसरे पर इनसार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। हाँ जी, शाबाश, ये आपको सामने शो नहीं हो रहा, बेलोल ये लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, वो एक दूसरे पर इंसार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते, सेकंड और थर्ड लाइन पे जा रहा है, इसको देखें आप। शाबाश, हाँ जी,
अच्छा जी, ये कहते हैं कि सुहेल कहते हैं सबसे पहले हारिस ने किया, सुहेल ने किया, दे डिपेंड ऑन वन अनदर बट दे कैन नॉट एस्टेब्लिश फेयर सोसाइटी, दे ट्राई टू रिलाई ऑन वन अनदर बट कैन नॉट एस्टेब्लिश सोशल सिस्टम। अच्छा, उसके बाद दे ट्राई टू रिलाई अपॉन ईच अदर बट कैन नॉट शेप सोसाइटी, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट दे डू नॉट क्रिएट सोसाइटी, दे कैन नॉट डिजाइन सोसाइटी वी आर डिपेंडेंस ऑन अनदर। अच्छा जी, दे ट्राई टू डिपेंड ऑन वन अनदर बट दे कैन नॉट बेटर सोसाइटी, दे ट्राई टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी बट कैन नॉट सक्सीड। ओके, अच्छा मोस्टली ठीक है, बट अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसलेशन होते हैं ना उसके अंदर आपने बेसिकली वो जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसको आपने बड़े केयरफुली समझना होता है, उसमें कोई लफ्ज आपने छोड़ना नहीं होता। अब इसमें क्या किया, सुहेल ने सबसे पहला जो ट्रांसलेशन किया उसमें उसने एक लफ्ज छोड़ दिया, वो था इनसार करने की कोशिश करना, उसने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कोशिश करने की ट्रांसलेट ही नहीं किया। कहीं पे बहुत छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जो अक्सर आप मिस कर जाते हैं ट्रांसलेशन में, इसका हमें इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। आप नंबर वन, नंबर टू टेंस का ख्याल रखना है, जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर आप ट्रांसलेट करेंगे उसको, उसका जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि उर्दू का जो फिक्रा है वो इंग्लिश में किसी और टेंस में जाएगा, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसका भी आपने ख्याल रखना है, आपने याद रख लेने कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सबको पता होना चाहिए। अक्सर आपके जो है वो एक या दो फिक्रे ऐसे होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट है तो साथ उसके जो है फ्यूचर होगा, अगर पास है तो वुड होगा, अगर वो उसने हैड लगा दिया है तो उसके बाद वुड है वगैरह, इसी तरह आपने वो चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद के अगर कोई सेंटेंस या फिक्रा बहुत लंबा हो रहा है उर्दू में, अगर कोई सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा है, दो तीन लाइंस में जा रहा है और आपको लगता है कि ये ट्रांसलेट करना मुश्किल है, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस बना सकते हैं उसके। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से करके ट्राई कराता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं इसके। जदीद इंसान अपना मकसद तख्लीक भूल चुके हैं, जदीद का मतलब मॉडर्न इंसान, मैन अपना देयर, ठीक है, इसी तरह आप उसे जो है वो बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद आप उसका फिक्रा बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं मॉडर्न मैन या मॉडर्न मैन, आप क्योंकि हाई लगा हुआ तो आप उसका जो है मैन लगाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली इंसान यहाँ से तो ये लफ्ज सिंगल शो हो रहा है, बट आगे उसका टेंस देखे तो वो जमा यूज हो रहा है, तो आप उसको मॉडर्न मैन कहेंगे। ठीक है, मॉडर्न मैन हैव भूल चुके हैं, हैव फॉरगॉटन द पर्पस ऑफ देयर क्रिएशन, के जो जदीदी इंसान है वो अपना मकसद तख्लीक भूल चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको आपने इसी तरह जो है टेंस का ख्याल रखना है, लफ्जों का ख्याल रखना है, उसमें जमा वहद का वर्ब और उसका सब्जेक्ट है उसका एग्रीमेंट, उसका भी आपने ख्याल रखना है। अब देखें कि वो बेकार हैं क्योंकि इनके पास इल्म व अकल नहीं है। अब बेकार को अक्सर लफ्ज बच्चों ने यहाँ पे ट्रांसलेट किया, दे आर यूजलेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बेकार है वो यूजलेस के सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, दे आर मीनिंगलेस, ठीक है ना, पर्पसलेस, या दे आर विदाउट एनी पर्पस, उसका बगैर मकसद के हैं, दे आर मीनिंगलेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज एंड विजडम। अब यहाँ पे इल्म और अकल बच्चे क्या करते हैं कि नॉलेज और विजडम कर देते हैं, तो ये भी गलती होती है, आपने बेसिकली देखना है कि उसमें वो एंड आएगा या आर आएगा, ठीक है ना, इस छोटी छोटी चीजें होती है जिसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इन्होंने मादी तरक्की तो कर ली है लेकिन वो अंदर से खाली हैं, दे हैव अचीव्ड, या दे हैव अचीव्ड मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, या दे हैव मेड मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस बट फ्रॉम इनसाइड दे आर एम्प्टी। अब जो आपका सेंटेंस है उस पे आते हैं, तो देखें कि वो एक दूसरे पर इनसार करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, दे ट्राइड या दे मेक एफर्ट्स टू डिपेंड ऑन ईच अदर, दे ट्राई टू डिपेंड ऑन ईच अदर लेकिन बट दे फेल टू फॉर्म अ सोसाइटी, या दे कैन नॉट फॉर्म अ सोसाइटी, वो मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। तो आपने टेंस है, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, उसके अलावा जमा वहद है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इसके बाद एक चीज़ ये है कि अगर आपका सेंटेंस लंबा हो रहा है तो उसे आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, और लास्ट पे ये आपने ख्याल रखना है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको आपने जो है प्रॉपरली एड्रेस करना है। ठीक है, पेपर पर एक एक वर्ड के ऊपर इंग्लिश वर्ड लिखने, यार इसको पेपर पर लिखने के बजाय आप रफ में लिख लेना उसको, ठीक है ना, ये सारा काम रफ में कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो है आपकी ट्रांसलेशन, अब आते हैं आपकी कंप्रीहेंशन की तरफ, मुझे क्लास भी खत्म करनी है तो उधर चीज़ों को समअप कर लेते हैं। जो आपकी कंप्रीहेंशन होती है उसमें क्या करना होता है कि आपके पास एक पैसेज दिया गया होता है, ठीक है, और आपने उस पैसेज को पढ़ना होता है, समझना होता है, और एंड के ऊपर आपके पास सवाल होते हैं और आपने उस सवालों के जवाब देने होते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक आमतौर पर जो एक रॉन्ग टेक्निक है वो ये होती है कि बच्चे या टीचर्स ये कहते हैं कि आप सवालों को पहले पढ़ लें और उसके बाद पैसेज को पढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने पहले पैसेज को पढ़ना है। एक बार तब जैसे आपने प्रेस सी में पढ़ा था, एक आराम से फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में आपने एक मरतबा उस पैसेज को पकड़ना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपका करना है कि आपने सवालों को पढ़ना है, ठीक है, सवाल पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपने जाना है स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री पे ये है कि आपने ध्यान से पढ़ना है और आपको जहाँ पे लगता है कि सवाल का जवाब जहाँ पे मौजूद है उस पर निशान लगा दें, आप ब्रैकेट लगा लें उन लफ्ज़ों के इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल, ये आल दो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसका जवाब शुरू हो रहा है, तो आप ब्रैकेट लगाएं यहाँ पर, और यहाँ ये पीरियड है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आप इसे खत्म कर दें यहाँ पर, ब्रैकेट लगा दें। तो या उसके ऊपर नंबर वन लिख दें, क्वेश्चन नंबर वन का ये जवाब है। इसी तरह फिर आगे पढ़ते जाएंगे और आपको जहाँ पे फील होता है कि सवाल का जवाब आ रहा है, आप उसके ऊपर निशान लगा दें, नंबर टू, ब्रैकेट लगा दें। इसी तरह नंबर थ्री, फोर, फाइव। जब आप लगा लेंगे फिर आपने वापस जाना सवालों के ऊपर। अब सवाल को गौर से समझना है, पढ़ना है और उसको जवाब को निकालना है। सवाल पढ़ना है और जवाब निकालना है, ठीक है। जब आपको जवाब समझ आ जाएगा उसके बाद आपने लिखना है। अब लिखने के लिए आपने क्या करना है कि जब सवाल का जवाब आप लिखेंगे तो आपने जवाब सवाल से ही स्टार्ट करना है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल है, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रू बिलीव्स एज मेंशन बाय द ऑथर, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जब सवाल लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे, तो आपने स्टार्ट करना है, द टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बिलीव्स एज मेंशन बाय द ऑथर आर। उसके बाद आप वो दो दो मेथड्स हैं वो आप मेंशन करेंगे और थोड़ा सा आप उसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वन हैज टू फेस एज रिटन इन द पैसेज इफ वन डज नॉट एक्सेप्ट द बिलीव्स प्रोपगेटेड बाय अथॉरिटी। तो आप इसका लिखेंगे कि वन हैज टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज इफ वन डजन, बल्कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप द कॉन्सिक्वेंसेज वन हैज टू फेस, इस तरह आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जो सवाल में मेन की वर्ड है ना, उससे आपने पकड़ना है और उससे आपका जवाब स्टार्ट होना है। अब अपना जवाब लिखते हुए टेंस का ख्याल रखना है, ग्रामर का, पंक्चुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक का, और उसके बाद जो आपके सवाल की लेंथ है ना, जवाब की लेंथ है जो आपके कंप्रिहेंशन में है, वो डिपेंड करती है राइटिंग के ऊपर। किसी की राइटिंग छोटी, किसी की बड़ी, कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर 5 से 6 लाइंस, 5 लाइंस का कम से कम आपका एक जवाब होना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग है तो 4 से 5 लाइन्स के ऊपर, 5 लाइन्स के ऊपर आप उससे लाजमी लेकर जाएं उसको, ठीक है। अगर आपसे कहीं पे वो टाइटल का पूछता है तो सिर्फ उसका टाइटल बताएंगे और उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर कि ये टाइटल होना चाहिए या इस तरह से ये है इस, नहीं, आपसे जो उसने पूछा है कि टाइटल बताएं तो आप उसका टाइटल बताएं, बस एक ही उसका बताएंगे, दो नहीं बताने आपने उसका, ठीक है जी। ये तो है आपके कंप्रिहेंशन के हवाले से। बाकी ये चीजें सारे प्रैक्टिस वाली हैं, आप लोग करेंगे तो इसकी आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं, इसके अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं।